हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2018 में आया एक साइंस फिक्शन फिल्म जिसका नाम है ईएफओ। ये फिल्म ईएफओ साइटिंग के बारे में है और इसमें मैट के जरिए कैसे दूसरे लाइफ के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है इसको दिखाया गया है। फिल्म शुरू होता है कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। हाइड्रोजन एटम्स एक खास तरह का लाइट छोड़ता है जिसे फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट का यूज करके डिटरमाइन किया जाता है। ये कांस्टेंट एक ऐसा मिस्टीरियस नंबर है जो फिजिक्स के कई सारे फंडामेंटल कैलकुलेशन से निकल कर आया है, पर अभी तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये नंबर कहाँ से आया है। एटमॉस्फेयर, स्टार्स, हवा, यहाँ तक कि हमारे सोलेसेस, ये सभी एटम से बने हैं और ये कांस्टेंट इन सभी में है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में पहचाना जा सकता है। सन 1974 में फ्रैंक ड्रेक, कार्ल सेगन और भी कुछ दूसरे साइंटिस्टों ने स्पेस में एक अरेसिबो मैसेज भेजा था जिसमें बेसिक मैथ और भी कुछ दूसरे इन्फॉर्मेशन थे जिससे यूनिवर्स के दूसरे लाइफ के साथ कॉन्टेक्ट किया जा सके। इस मैसेज को क्लस्टर M13 स्टार की ओर भेजा गया था और इसके रेस्पॉन्स के लिए वेट किया जा रहा था, पर इस मैसेज को M13 तक पहुंचने में 22,800 साल लग जाता। हाँ, अगर वो पहले ही हम तक पहुंच जाए। कहानी शुरू होता है अक्टूबर 17, 2017 से। सिनसिनाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रोज की तरह उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी 3 बजे के आसपास वहां के सभी लोगों के सेलफोन्स का सिग्नल मिसबिहेव करने लगा। एक लड़का बाकी लोगों को बाहर इशारा करते हुए कहता है क्या वो एक प्लेन है, और वो सभी बाहर देखने लगता है और यही से फिल्म की मेन कहानी शुरू होता है। सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोफेसर हेनरिक्स अपने मैथमेटिकल साइंस की क्लास में है जहाँ एक लड़का एक सवाल को लेकर हेनरिक्स से बहस करने लगता है। उसका नाम डेरेक है और उसे बहस करता देख उसका दोस्त नेटाली स्माइल करती है। क्लास के बाद रूम में नेटाली और उसकी दोस्त ली के बीच एक मैथ प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस चल रहा है और उसी वक्त डेरेक भी आ जाता है। ली कहता है पता है क्या, अगर लोग कॉन्डम यूज करना बंद कर दे तो एसटीडी बहुत ही कम हो जाएगा। इस पर नेटाली कहती है तुम तो मुझे इतना भी पे नहीं कर दे कि मैं इस बकवास के ऊपर बात करूं। उसी वक्त डायरेक्ट अपना फोन चेक करता है जिसमें एक न्यूज आया है कि सिंसिनाटी एयरपोर्ट में कोई मिस्टीरियस चीज देखा गया। डायरेक्ट नेटाली को वो न्यूज दिखाता है और नेटाली पढ़ती है कि सिंसिनाटी एयरपोर्ट के सारे फ्लाइट्स को रोक दिया गया है जब से आज दोपहर को वहाँ कोई मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट देखा गया था। डायरेक्ट कहता है कि इस आर्टिकल के हिसाब से वो एक सिल्वर डिस्क के बराबर था और एक एम्प्लॉई जो जेट में फ्यूल भर रहा था उसने ठीक 3 बजे इस बारे में रेडियो में सुना, और जब उसने ऊपर देखा तो उसके देखते देखते ही वो चीज गायब हो गया। नेताली फिर से पढ़ती है कि एक अनजान रैंप मैकेनिक ने उस एयरक्राफ्ट को गायब होते हुए देखा, पर फिर 3:12 बाद उसने टावर के रेडियो चैटर में एक पायलट और ग्राउंड कंट्रोल को बात करते हुए सुना जहाँ पर उस टावर से किसी ने कहा कि वो चीज अभी भी ऊपर ही है। इस पर डायरेक्ट कहता है कि टावर के लोग 24 घंटे काम करता है बहुत ही बारीकी से, इसलिए वो लोग गलत नहीं हो सकता, पर जो फैक्ट है कि एक इंसान कुछ कह रहा है और बाकी सारे कुछ और, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं करता। अगले सीन में एफबीआई के हेडक्वार्टर में फ्रैंकलिन आल्स एक लड़की रेबेका वेटकिंस के इंटरोगेशन की एक पुराने वीडियो को देख रहा है जिसमें वो लड़की ईएफओ देखने की बात कह रही है। फ्रैंकलिन डिपार्टमेंट में फोन करता है और उस वीडियो को आर्काइव कर देता है जिससे किसी को भी वो फुटेज ना मिले। उसी वक्त उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सिनसिनाटी एयरपोर्ट के पास कोई मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट देखा गया था। वो तुरंत एयरपोर्ट जाता है और वहां के डायरेक्टर जंगर से सभी सीसीटीवी कैमरा का फीड मांगता है और साथ ही उनके काम करने के लिए कुछ रूम्स भी खाली करने को कहता है। जंगर के पूछने पर फ्रैंकलिन कहता है कि कुछ शटडाउन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जैसा चल रहा है चलने दो, पर हाँ बाहर जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है उसको अभी के अभी बंद करना होगा। इधर डायरेक्ट कैफे में बैठकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है जिसमें एयरपोर्ट स्पोक्समैन डेविड एलिसन कह रहा है कि हमने सभी एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया है और अब हमें ये लग रहा है कि वो चीज एक छोटा सा ड्रोन था जिसका डायमीटर 4 से 5 फीट होगा। इसे सुनकर डायरेक्ट कहता है कि ये ड्रोन नहीं हो सकता क्योंकि ना तो डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है और ना ही टाइम, क्योंकि रैंप मैकेनिक के हिसाब से वो चीज बादलों की ऊंचाई से करीब 200 फीट नीचे था जो कि देखने में इसका साइज हाथ के दूरी पर पकड़े हुए एक सिक्के के बराबर था, पर यहाँ डेविड कह रहा है कि उसका साइज 4 से 5 फीट था जो कि हो ही नहीं सकता। ये कहने के बाद डायरेक्ट उन सभी मेजरमेंट्स को लेता है और उन सबको कैलकुलेट करके वो पाता है कि वो चीज करीब 88 फीट का था ना कि 4 या 5 फीट का, तो इसका मतलब साफ है कि डेविड झूठ बोल रहा है। फिर इसके बाद डायरेक्ट वॉइसमेल फैसिलिटी से डेविड का नंबर लेता है और उसे फोन करके पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि वो 4 से 5 फीट था, क्योंकि गवाहों ने जब बताया उसका कैलकुलेशन करे तो ये चीज करीब 88 फीट का है।
और ये कहकर डायरेक्ट डेबिट को वो कैलकुलेशन समझाता है। डेबिट चुपचाप उसकी बात सुनता है और फिर वो फ्रैंकलिन से जाकर कहता है कि एक लड़का मुझे बार बार फोन कर रहा है और कह रहा है कि उस एयरक्राफ्ट का साइज 88 फीट के आसपास था। फ्रैंकलिन डेविड से उस लड़के का नाम पूछता है, जिस पर डेविड कहता है डेरेक एके बारो। फ्रैंकलिन उसे थैंक यू कहता है और फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने चला जाता है। फ्रैंकलिन बाहर के सारे फुटेज को चेक करता है पर एक में भी वो एयरक्राफ्ट नहीं दिखता। फिर वो अंदर के फुटेजेस को चेक करता है और उस वक्त एयरपोर्ट में जितने भी पैसेंजर्स और एम्प्लॉय मौजूद था उन सभी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाने को कहता है। साइटिंग के 17 घंटे बाद मतलब अगले दिन डायरेक्ट ली को न्यूज दिखाता है जिसमें ये कहा गया है कि गवाहों के टेस्टिमोनी के बाद ये साफ हो चुका है कि वो एयरक्राफ्ट दरअसल एक गल्फ स्ट्रीम प्लेन था जिसका साइज 88 फीट का था, जो कि विटनेस और डिस्क्रिप्शन सभी से मैच करता है और इसका मतलब ये है कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुका है। डायरेक्ट ली से कहता है कि वो लोग मेरे मैथ का यूज कर रहा है, मैंने उन्हें जो फोन में कहा वो लोग उसी का यूज कर रहा है इसको कवर अप करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन एयरपोर्ट में कोई भी गल्फ स्ट्रीम फोर ना आया होगा और ना ही गया होगा। ये कहने के बाद डायरेक्ट ली को एयरपोर्ट लाइव रेडियो के एक वेबसाइट को खोलने को कहता है और उसमें सिनसिनाटी एयरपोर्ट के लाइव रेडियो के क्लिप्स को चेक करने को कहता है। ली चेक करता है और कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद किसी ने इसे डाउन कर दिया है। इस पर डायरेक्ट कहता है नहीं, ये लाइव स्ट्रीम होता है, लोग इसे पूरे दिन सुनता है, हर दिन किसी ने तो इसे रिकॉर्ड किया है। इसके बाद डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकलता है जहाँ रास्ते में उसे बचपन का एक किस्सा याद आता है। वो एक होटल में होता है जहाँ उसे कुछ अजीब किस्म के आवाजें सुनाई देता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे ऊपर कुछ दिखता है। खैर डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचता है और वहाँ वो टावर और एयरपोर्ट के बाकी हिस्सों का फोटो लेने लगता है। डायरेक्ट नोटिस करता है कि वहाँ अभी भी FBI एजेंट्स मौजूद है और उनमें से कोई कोई उस पर नजर रख रहा है। वहाँ से नेताली का कॉल आता है और वो पूछती है कि वो लोग कब लैब प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। डायरेक्ट कहता है कि आज नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी सिनसिनाटी एयरपोर्ट में हूँ। नेताली कहती है कि हमें ये आज ही करना है क्योंकि मैं प्रोफेसर हेंड्रिक्स के क्लास में भी नहीं पाना चाहती। डायरेक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है और प्रोफेसर हेंड्रिक्स से मिलता है। उसकी बात काटकर हेंड्रिक्स कहती है कि अगर तुम एक्सटेंशन मांगने आए हो तो इसका जवाब है नहीं। डायरेक्ट पूछता है पर क्यों नहीं। हेंड्रिक्स कहती है कि तुम अब तक के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो जिससे मैं मिली हूँ और साथ ही सबसे ज्यादा परेशान और बहस करने वाला भी, पर तुम मेरे क्लास में फेल हो रहे हो इसलिए मैं तुम्हें एक्सटेंशन नहीं दे सकती। ये सुनकर डायरेक्ट वहां से चला जाता है। रात में डायरेक्ट और ली न्यूज देख रहा होता है जिसमें एक अनजान शख्स कहता है कि ये कोई प्लेन नहीं था। उस साइटिंग के 2 घंटे बाद वहाँ FBI एजेंट्स आ गया और उन्होंने जिस किसी ने भी उस चीज को देखा था हम सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। उन्होंने हमारा फोन ले लिया और हमें वहाँ 10 घंटे तक बिठाए रखा। न्यूज एंकर कहती है कि एयरलाइन एम्प्लॉय ने कहा था कि उसने रेडियो में पायलट और वर्कर के बीच बात करते हुए सुना कि आसमान में कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है। ये सुनकर डायरेक्ट टॉर ब्राउजर से डार्क वेब के अंदर एक फोरम को ज्वाइन करता है और वहाँ पूछता है क्या किसी के पास टावर का रिकॉर्डिंग्स है। एक यूजर सिंसेडाउन रिप्लाई देता है कि उसके पास वो रिकॉर्डिंग्स है। डायरेक्ट के मांगने पर सिंसेडाउन एक लिंक शेयर करता है और डायरेक्ट उन सभी रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड करने लगता है। ली पूछता है इतने सारे फाइल्स, जिस पर डायरेक्ट उसे कहता है कि ये सभी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज का है। डायरेक्ट टावर रेडियो के क्लिप को प्ले करता है जिसमें वो नोटिस करता है कि क्लिप के बीच बीच में बीप करके कुछ आवाजें सुनाई दे रहा है। वो उसे नोट करता है और फिर जाकर क्लास में नेताली से मिलता है। डायरेक्ट नेताली से कहता है कि ये टोन्स का सिक्वेंस है और हर एक टोन 1/9 सेकेंड का है, मतलब सेकेंड के 9वें भाग का एक हिस्सा। इसमें टोटल 2623 सिंबल्स है जो कि 4 मिनट 23 सेकेंड में रिकॉर्ड हुआ है। फिर इसके बाद ये रिपीट होने लगा और फिर अचानक रुक गया। नेताली कहती है कि शायद ये कोई सिग्नल है, पर ये 9433 क्या है। डायरेक्ट कहता है शायद ये 14-बिट बाइनरी में है क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग और एंडिंग दोनों में 14 सर्कल्स है, इसीलिए अगर ये 14 बिट है तो इस पॉइंट से हमें मिलता है 9433, और वही अगर हम इसे 2 डिजिट में देखें तो ये होगा 73 और 89। और फिर इसके बाद डायरेक्ट पूछता है क्या तुम रूम में आकर इसे सॉल्व करने में मेरी मदद करोगी। इस पर नेताली कहती है नहीं, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। तभी प्रोफेसर हेंड्रिक्स आ जाती है और वो नॉन होमोजेनस सिस्टम के बारे में पढ़ाने लगती है, ऐसे सिस्टम्स जिसके शायद कोई भी सोल्यूशन ना हो।
क्लास के बाद डेरेक के कहने पर नेटाली हैंड्रिक्स के ऑफिस में जाती है और उससे डेरेक के लिए एक्सटेंशन मांगती है, पर हैंड्रिक्स उसे मना कर देती है। नेटाली कहती है कि डेरेक अभी बहुत ही बिजी है, और जहाँ तक मैंने पढ़ी है कि बहुत से बेस्ट मैथमेटिशियंस ने 20 साल के उम्र के दौरान ही अपना बेस्ट काम दिया था, जैसे कि आइंस्टाइन, रामानुजन। इस पर हैंड्रिक्स कहती है, रेमन, एबल, गैलोइस, हाँ मुझे पता है ये लिस्ट। नेटाली कहती है, और आप? इस पर हैंड्रिक्स कहती है कि मैंने अपना योगदान दे दिया है, अब तुम लोगों की बारी, पर तुम्हें लैब प्रोजेक्ट तो करना ही होगा। नेताली निराश हो जाती है और चली जाती है। रात में डेरेक उस सिग्नल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे कर नहीं पा रहा होता। तभी उसे कंप्यूटर का एनिमेशन दिखता है और उसे कुछ आइडिया आता है। वो उसे फिर से सॉल्व करने लगता है और फिर जाते वक्त वो ली को फोन करता है। ली फोन नहीं उठाता तो डेरेक उसे एक वॉइसमेल भेजता है कि मुझे कुछ कुछ समझ में आ गया है, ये डेट से, और ये फाइनल स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट के करीब करीब का नंबर है। शायद वो लोग चेक करना चाहते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, या फिर वो कहना चाहते हैं कि वो एक ऐसे प्लेनेट से हैं जिसका फिजिक्स लॉस बिल्कुल हमारे जैसा है, पर वो कोई 5 लाइट बिलियन ईयर्स की दूरी पर नहीं है, पास ही है। डेरेक की सारी बातें फ्रैंकलिन सुन रहा होता है और वो कहता है कि उसने तो ये सॉल्व कर ही लिया कि ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। इसके बाद डेरेक रूम में चला जाता है जहाँ पर ली दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है। डेरेक उसे वो सिग्नल देता है और कहता है कि वो लोग बेसिक मैथ का यूज कर रहा है, जैसे कि 1 + 2 = 3, 3 - 2 = 1, ताकि हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। ली सीक्वेंस को देखता है और पूछता है कि ये 38 क्या है। डेरेक कहता है कि ये बाइनरी है। फिर यहाँ पर 26 23 times 29 53 है, और क्योंकि हर एक बीट 1/9 सेकेंड का है तो इससे हमें मिलता है 774,572 सेकेंड, जो कि होता है पूरे 9 दिन। तो साइटिंग ट्यूसडे को हुआ था और उसका 9 दिन मतलब अगला थर्सडे, जो कि 6 दिन बाद है। ली पूछता है थर्सडे को क्या होगा। डेरेक कहता है शायद वो वापस आने वाला है। अगले दिन डेरेक ली के साथ एक शॉप में होता है जहाँ ली पूछता है कि अगर ये एक यूएफओ था और अगर उसमें एलियंस थे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसे दिखते होंगे। इस पर डेरेक कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या, मुझे लगता है कि वो लोग हरे रंग का और बड़े बड़े आंखों वाला होगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। नहीं, मेरे हिसाब से वो लोग कुछ ऐसे दिखते होंगे जिसके बारे में हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद ली पार्टी में चला जाता है और डेरेक रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचने पर उसे लगता है कि घर में कोई आया था, क्योंकि उसके कंप्यूटर का वेबकैम ऑन है। ये देखने के बाद वो पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आता है और छानबीन करने पर उन्हें वहां नशे का एक पैकेट मिलता है। उसी वक्त ली भी आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाता है। अगले दिन डेरेक नेताली के साथ होता है जहां वो उससे कहता है कि किसी ने हमारे कंप्यूटर से छेड़छाड़ किया है, और एक्टिविटी मॉनिटर को देखकर मुझे लगता है कि किसी ने एक टेक्स्ट फाइल के साइज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसे ख्याल आता है कि 26 23 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 43 और 61 से ही डिवाइड होता है। वो लैपटॉप खोल के सिग्नल फाइल के साइज को 61/43 में चेंज करता है। इससे उसे पता चलता है कि सिग्नल एक्चुअली में एक ग्रिड में है। डायरेक्ट कहता है कि इसका मतलब वो लोग बताना चाहता है कि 26 23 का कुछ मतलब है, जैसे कि आरेसिबो सिग्नल, जिसे फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सेगन ने 1971 में स्पेस में भेजा था। डेरेक को अभी भी उस सिग्नल के 2 लाइन समझ में नहीं आ रहा होता। तभी नेताली फोन को देखती है और कहती है कि प्रोफेसर मैक का पैनल डिस्कशन है, हमें जाना होगा, और वो लोग चले जाते हैं। रात के दौरान एयरपोर्ट में फ्रैंकलिन उसकी साइंटिस्ट टीम से पूछता है, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि FSC का यूज करके हम कैसे इंटेलिजेंस और साथ ही किसी जगह का लोकेशन मालूम कर सकते हैं। पर उन साइंटिस्टों में से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। इस पर फ्रैंकलिन थोड़ा निराश हो जाता है। इधर डेरेक और नेटाली बेंच पर बैठकर सितारों को देख रहा है जहाँ पर डेरेक उसी सिग्नल को लेकर बात कर रहा होता है। इस पर नेटाली उसे कहती है कि मैंने आज प्रोफेसर मैक का पैनल इसीलिए अटेंड किया ताकि वो मुझे रिकमेंडेशन दे जिससे मैं ग्रेड स्कूल में जा सकूं। पर तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम बस उसी सिग्नल के बारे में ही सोच रहे हो, मानो उस सिग्नल के अलावा और तुम्हारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। डेरेक कहता है, हाँ यही एक चीज है जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ। और फिर इसके बाद वो नेताली को उसके बचपन में हुए एक एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है। डेरेक कहता है कि बचपन में मैंने कुछ देखा था, उस रात में मॉम जिस होटल में काम करती थी वहां था, और फिर मैंने बाहर कुछ लाइट्स देखा, वो सारे लाइट्स एक साथ गोल गोल घूम रहा था। मैंने माँ से इसके बारे में बताया पर उसने नहीं सुनी, मुझे लगता है उसने परवाह ही नहीं की। नेताली कहती है कि हाँ ठीक है कि तुम्हारे सर में अभी बहुत बोझ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचो।
इस पर डेरेक कहता है, जब तुम्हारा फाइनल करीब होता है तब तुम लाइब्रेरी में बैठकर चुपचाप पढ़ने लगते हो, 4-5 दिन तक किसी से बिना बातें किए, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि वो समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नेताली, ये भी मेरे लिए मेरा फाइनल वीक है। तुम्हें पता है दुनिया का वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्या कोई भगवान है? जब हम मरते हैं तब क्या होता है? और क्या हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? अगर कोई इनमें से सिर्फ एक सवाल का भी जवाब दे दे तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ देर बाद डेरेक रूम में आता है और देखता है कि ली वापस आ गया है। डेरेक उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो पैकेट रूम में ही था। ली कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद डेरेक पूछता है, क्या तुम मुझे कल अपनी कार में एयरपोर्ट ले जाओगे? ली कहता है, कल मेरा एग्जाम है, तुम्हारा नहीं है? डेरेक कहता है, हाँ, पर मुझे डेविड एलिसन को ये दिखाना ही होगा। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे कुछ करने को कह रहा हूँ। ली उसकी बात मान लेता है और अगले दिन वो लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं। थोड़ी देर में डेविड आ जाता है और डेरेक उससे जाकर बात करने लगता है। डेविड उससे बात नहीं करना चाहता, पर डेरेक उसको कुछ सबूतों के बारे में बताता है, जिस पर डेविड मान लेता है कि उसी ने सभी लोगों को ये कहने के लिए कहा था कि उन लोगों ने एक गल्फ स्ट्रीम प्लेन को देखा था। रात में डेरेक सोते हुए उस सिग्नल के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ उसे नेताली की और बचपन के कुछ फ्लैशेस आते हैं। सुबह उसे उठने में देर होता है और वो फौरन एग्जाम के लिए चला जाता है। जब वो पहुंचता है तब देखता है कि डोर ऑलरेडी लॉक हो चुका है और अंदर एग्जाम चल रहा है। वो दरवाजे को जोर जोर बजाने लगता है, जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वो बहुत लेट से आया होता है। डेरेक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रात में डेरेक प्रोफेसर हेंड्रिक्स के घर फोन करता है और उसके पति से कहता है कि उसे प्रोफेसर हेंड्रिक्स से बात करना है और वो अभी दरवाजे में है। हेंड्रिक्स उठती है और दरवाजा खोलकर उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में रहे प्रोफेसर्स को फोन करना चाहिए। डेरेक कहता है कि आप सबसे बेस्ट मैथमेटिशियन हैं जिसे मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें। ये टेक्स्ट बुक का कोई बकवासा सवाल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे पास सिर्फ कल 3 बजे तक का समय है इसे सॉल्व करने के लिए। हेंड्रिक्स के पूछने पर डेरेक कहता है कि उसे टावर रेडियो से मिला है, पिछले हफ्ते वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा था और ये सिग्नल उसी से आया है। हेंड्रिक्स उन सारे रिकॉर्डिंग्स को सुनती है और कहती है कि सिग्नल का स्ट्रेंथ अलग अलग चैनल्स में अलग अलग है, सबसे ज्यादा है अमेरिकन ग्राउंड ऑप्स में, फिर टावर में और सबसे कम है यूनाइटेड में। डेरेक उन सभी चैनल्स के फ्रिक्वेंसीज को देखता है और उसे पता चलता है कि फ्रिक्वेंसी जितना ज्यादा है सिग्नल का स्ट्रेंथ उतना ही तेज है। फिर इसके बाद डायरेक्ट सेलफोन्स के फ्रिक्वेंसीज को चेक करता है और पता चलता है कि सिर्फ टी मोबाइल से है जिसके फ्रिक्वेंसी 700 से 1700 मेगाहर्ट्ज तक है, बाकी सारे मोबाइल्स 800 मेगाहर्ट्ज, 850 मेगाहर्ट्ज ऐसा है। और क्योंकि आखिर के वक्त वो सिग्नल सिर्फ टी मोबाइल्स में ही कैच हुआ, तो इसका मतलब वो सिग्नल 700 से 1700 मेगाहर्ट्ज के बीच ही रुक गया। फिर इसके बाद डेरेक को एक बात याद आता है कि सेटी मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल हाइड्रोजन के रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से सेम होता है और हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट है। किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ को ये पता होगा कि ये बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए शायद उन्होंने सभी फ्रीक्वेंसी में उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जब तक कि वो 1420 मेगाहर्ट्ज के पास नहीं पहुंचा, और 1420 मेगाहर्ट्ज होते ही उन्होंने हमारा ध्यान खींचने के लिए सिग्नल को नुकीला कर दिया और फिर बंद कर दिया। हैंड्रिक्स कहती है कि 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, तो जरूर इससे एयरपोर्ट के पास के हॉस्पिटल में परेशानी हुआ ही होगा। डायरेक्ट हॉस्पिटल में फोन करता है और पता चलता है कि उस दिन हॉस्पिटल के वायरलेस टेलीमेट्री सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वहां से पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। इससे उन्हें कंफर्म हो गया कि वो सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज में ही रुक गया। अभी डायरेक्ट कहता है कि ये दो लाइंस मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, 94 33 टाइम्स 38 और 94 33 टाइम्स 22, शायद ये कोऑर्डिनेट्स होगा, 207,526 मीटर नॉर्थ हो सकता है। इस पर हेंड्रिक्स कहती है कि उन्हें थोड़ी ही मीटर किलोमीटर इनके बारे में पता होगा, ये इक्वेशंस लेफ्ट से राइट और बॉटम से टॉप की ओर पढ़ने के लिए है, इसलिए सेंस करेगा अगर कोऑर्डिनेट्स जमीन में नहीं बल्कि कहीं ऊपर हो। पर इसे समझने के लिए तुम्हें कोई फिजिसिस्ट चाहिए, एंट्रोफिजिसिस्ट। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि अगर तुम इसे देखते रहोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, पर तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, और शायद मैं वो नहीं जो तुम्हें इसे क्रैक करने में मदद कर सकता है, क्योंकि मैथ, साइंस, फिजिक्स ये एक यंग पर्सन का खेल है, रोमन, गैलोइस, आइंस्टाइन। इस पर डेरेक कहता है कि यूजिन अर्हर्ट 60 साल का था जब उसने PhD हासिल किया, इटिंग जंग 57 साल का था जब उसने ट्वाइन प्राइम कंजेक्चर को गलत प्रूफ किया था,
हेनरिक्स कहते हैं सिर्फ दो नाम। डेरेक कहता है स्कोडिंजर, फ्रॉलिच, स्मेल। हेनरिक्स कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गया, पर मैं कह रही हूँ तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, और फिर उसे घर से जाने के लिए कहता है। डेरेक के जाते वक्त हेनरिक्स कहती है कि हम गणित के मास्टर्स नहीं बल्कि नौकर हैं। उसके चले जाने पर हेनरिक्स सोते वक्त उस कॉपी को लेती है और उसे देखती रहती है। इधर डेरेक भी सिग्नल को देखता रहता है पर वो भी उसे सॉल्व नहीं कर पाता। अगले दिन दोपहर को डेरेक क्लास में होता है जहाँ मिसेस हेनरिक्स मैथ का चैप्टर 4 आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को पढ़ाना शुरू करती है, जिसमें वो पढ़ाती है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इस मैट्रिक्स को इसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके मैट्रिक्स के स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। अब इसमें भी को आइगन वेक्टर कहा जाएगा और लैम्डा को आइगन वैल्यूज। और इस तरह के प्रॉब्लम्स का लगभग सभी चीजों में एप्लीकेशंस होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और स्पिन ट्रांजिशंस और न्यूट्रल हाइड्रोजेंस। और ये कहते ही वो कुछ देर चुप हो जाती है, मानो उसे कुछ याद आ गया। सब लोग उसके तरफ देखने लगते हैं और वो कहती है कि इसका वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर है। फिर वो डेरेक की तरफ देखती है और कहती है कि हाइड्रोजन का फ्रिक्वेंसी 21 सेंटीमीटर है, न्यूट्रल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन का फ्रीक्वेंसी 1420 MHz है और वेवलेंथ है 21 सेंटीमीटर। वो दो लाइन ईस्ट से 38 आगे और नॉर्थ से 22 को रिप्रेजेंट करता है, और फिर तुम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 94 33 से और फिर 21 सेंटीमीटर से। उन्होंने वेवलेंथ को यूनिट के तौर पर यूज किया है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट है। ये कहते ही डायरेक्ट उठकर वहां से चला जाता है, रूम में जाकर ली से उसका कार मांगता है और उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। जाते वक्त वो उन सभी को याद करता है जिनके कई बातों की वजह से वो उस कोड को डिकोड कर पाया, और साथ ही उसे बचपन का वो पल भी याद आता है जब वो उस चीज को देख रहा था कि कैसे वो लाइट्स गोल गोल घूम रहा था। वो उस जगह पहुंच जाता है और जैसे ही ऊपर देखता है उसे कुछ दिखाई देता है और वो गाड़ी को रोक देता है। वो रेडियो का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो उसे सिग्नल वापस से सुनाई देने लगता है। वो ऊपर की तरफ देखता है और फाइनली उसे वो UFO दिखाई देता है। वो अपने फोन को लेकर बाहर आता है और उसे कैमरा में जूम करके देखने लगता है। उस UFO में कुछ लाइट जलने लगता है और फिर अचानक वो गायब हो जाता है। इसके बाद ही वहाँ फोर्स आ जाता है और वो डेरेक को पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है। फिर इसके कुछ देर बाद वहाँ फ्रैंकलिन भी आ जाता है और वो डेरेक की हथकड़ी खोलकर उससे बात करता है। फ्रैंकलिन कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब एलियन ने हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुका है और हमने हर बार अलग अलग RSV सिग्नल का यूज करके उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की पर हर बार हम फेल हो गए। उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट का यूज किया एक कॉमन मैथमेटिकल लैंग्वेज बनाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि इससे इंटेलिजेंस का भी पता लगाया जा सकता है। आज जो उन्होंने नया सिग्नल भेजा है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब तक तो वो सिर्फ 2 डायमेंशनल सिग्नल ही भेज रहा था, पर अब जबकि हमने इसे डिकोड कर दिया तो अब जो सिग्नल उन्होंने भेजा है वो 3 डायमेंशनल में है, और इससे हमें उनके बारे में कुछ चीजें पता चलता है। एक, डेरेक कहता है कि वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, फ्रैंकलिन कहता है, और दूसरा, जब हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग पहले ही हमें ढूंढ चुका है। जो 2 डायमेंशनल सिग्नल्स वो पहले भेज रहा था वो सिर्फ अर्थ के कोऑर्डिनेट्स थे, पर अब जो 3 डायमेंशनल सिग्नल उन्होंने भेजा है वो मेरे हिसाब से कहीं स्पेस में है। और इसका पता लगाने के लिए पहले हमें एक सटीक तरीका खोजना होगा FSC को मेजर करने के लिए, जिसका मतलब है हमें न्यू टेक्निक्स, न्यू थियोरीज डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए 5 साल लग सकते हैं या 500 साल या फिर सिर्फ 5 महीने अगर तुम मदद करो तो। और क्या तुम समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है? डेरेक कहता है हम अकेले नहीं हैं, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।